हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो बन रही है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो अब जाके समय मिला है। तो जैसे कि यूपी, वो कहते हैं ना, जिसने यूपी नहीं देखा उसने देश नहीं देखा। तो यूपी काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, हरियाली के लिए, नदियों के लिए, झीलों के लिए, और काफ़ी धार्मिक चीज़ें भी हैं। तो चलिए एक यूपी के एक अच्छे से सुंदर से जिले में आपका स्वागत। हैदरपुर वेटलैंड है, ये 1984 में बनाया गया था। 1984 में जब बैराज का निर्माण हो रहा था, तो उसी वक्त मानव द्वारा इस झील का भी निर्माण किया गया था। क्यों इस झील का निर्माण इसलिए किया गया था, जिससे बाढ़ आने के बाद यहाँ पर पानी अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करा जा सके। तो इधर ये जो है, इस साइड ये गंगा है, और इस साइड जो है ये सोलानी नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है सोलानी नदी। जब आप हैदरपुर वेटलैंड में एंट्री करोगे, तो ये पर्ची कटवानी पड़ेगी आपको, 50 रुपये एक पर्सन की है। हम 3 लोग हैं, 150 रुपये हमने पे किया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की ये वगैरह मिलेगी। उल्टा दिखा होगा आपको, क्योंकि कैमरा फ्रंट है ये। और साइकिल है, ये साइकिल दिखाइए, ये साइकिल ले सकते हो आप 50 रुपये घंटे के हिसाब से। इन्होंने साइकिल का रेट बताया, इन्होंने बताया 50 रुपये घंटे के हिसाब से साइकिल ले सकते हो। ये जो हम सीधा जाएंगे, ये सीधा वाला जो ट्रैक है, ये 800 मीटर का है, जो पर्ची वाले भैया ने बताया है। और इधर का जो है वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। बीच बीच में आपको स्टॉपेज मिलेंगे बैठने के लिए, जैसे बारिश वगैरह पड़ती है, इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस तरह से ये वेटलैंड है। तो चलिए स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। जाओगे तो 800 मीटर के ट्रैक पर आपको एक वॉच टावर मिलेगा, ऊपर हाइट है काफी वॉच टावर की, उस पर आप खड़े होकर देखोगे तो बहुत अच्छा नजारा पूरा वेटलैंड दिखेगा। ये मेरे पीछे जो है, ये हैदरपुर वेटलैंड। जनवरी में पक्षियां बहुत आते हैं यहाँ पर जो है, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कि 30 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है यहाँ पर, और 40 से ज़्यादा अधिक मछलियों की प्रजाति, और 300 से अधिक पेड़ों की प्रजाति है। Thank you.